हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग इज सक्सेस। आई होप गाइस ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियो नहीं बना पा रहा था, पर अब मैं कंटिन्यू वीडियो लेके आऊँगा, कंटिन्यू बनाऊँगा। तो जिसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो मैं कंटेंट लेके आऊँ तो आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ भी मिल जाएं। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो जाहिर सी बात है कि आपके एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे ही जाने वाले हैं, तो और भी इससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आने हैं भी। तो अभी मैटर काफ़ी तैयार है हमारे पास, धीरे धीरे करके हम एक एक करके वीडियो बनाते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल का हमारा जो लोगो है वो यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये हमारे चैनल का लोगो है, ठीक है। लर्निंग इज सक्सेस नाम है हमारे चैनल का। अगर आपके मोबाइल में मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो आप चलो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कर दीजिएगा, आप भी देखें, अपने फ्रेंड्स को भी दिखाएँ ऐसी जानकारियाँ, ताकि इनके एग्ज़ाम्स में पूछा जाए। NTPC का एग्ज़ाम होने वाला ही है, तो कोरोना से आई थिंक क्वेश्चंस पूछे ही जाने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो है, हाँ, इस वीडियो शुरू करने से पहले बता दूँ, आप लोग खुद ही स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कोरोना वायरस से संबंधित सारे क्वेश्चन होंगे हमारे, ठीक है। जो कुछ क्वेश्चन वैसे बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो ही मैंने इसमें रखे हैं, तो आइए इनको देखते हैं, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग वीडियो में मिल जाएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट्स हैं वही केवल मैंने रखे हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई पड़ती है? तो आंसर है हमारा क्राउन के समान। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, चीन के वुहान शहर के बाद कोरोना वायरस सबसे अधिक मामले किस शहर में देखे गए? तो वो है इटली के लिम्बर्टी शहर में, इटली के लिम्बर्टी शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है? तो लैटिन भाषा से कोरोना वायरस का नाम उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, WHO ने कोरोना वायरस का अधिकतम नाम क्या रखा है? WHO ने कोरोना वायरस का नाम क्या रखा है? तो उसका नाम रखा गया था COVID-19, ठीक है, COVID-19 इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, कौन सा ऐप लॉन्च किया था, ठीक है। तो वो है आरोग्य सेतु ऐप, इसको कोरोना कवच भी कहा जाता था, आरोग्य सेतु ऐप। ये आप सभी को लगभग पता होगा, ठीक है, शायद ही कोई होगा जिस जो इसके बारे में न जानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वह किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस में पॉजिटिव पाए गए थे? तो वो थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कोरोना वायरस के चलते किस देश में सबसे पहले लॉकडाउन लागू किया गया था? तो कोरोना वायरस के चलते सबसे पहले चीन में लॉकडाउन लागू किया गया था। किस सरकार ने COVID-19, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, किस सरकार ने COVID-19 अस्पताल बनाने की घोषणा की थी? तो वह है उड़ीसा सरकार ने लगभग 1000 बेड का हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस साइफर ने आत्महत्या कर ली थी? कोरोना वायरस से परेशान हो गए थे भाई साहब, तो इन्होंने क्या किया था, आत्महत्या कर ली थी, इसलिए कि इनकी वजह से कहीं दूसरे में ना फैले। तो वो किस देश के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे? तो वो थे जर्मनी के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा 10 नंबर, वह हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायोसूट तैयार किया था? बायोसूट किसने तैयार किया था? हमारे यहाँ की संस्था DRDO ने बायोसूट तैयार किया था, DRDO ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, वो है COVID-19 के कारण टोक्यो ओलंपिक कितने साल के लिए रद्द कर दिया गया है? तो 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। ये क्वेश्चन आई थिंक पूछा ही जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 12 नंबर, वह कोरोना संकट के कारण भारत सरकार ने सभी महिलाओं के जनधन खाते में प्रति माह
कितने रुपए डालने की घोषणा की थी, तो 500 रुपये में बहुत सारे लोगों के घरों में, उनकी माताओं बहनों के खातों में 500-500 रुपये आए भी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग वो है, कोरोना वायरस के कारण किस देश में जनता कर्फ्यू आ गया लगाया गया था। ठीक है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, लगाया गया था तो कोरोना वायरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था, तो वो है 22 मार्च 2020, आई थिंक संडे का दिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, रिलायंस फाउंडेशन द्वारा भारत का पहला कोविड 19 सेंटर, ठीक है, कौन से अस्पताल में बनाया गया था, तो वो था सेतु देल्स अस्पताल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कोविड 19 के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य जो बना था हमारे यहाँ का, वो था राजस्थान, इसने सबसे पहले लॉकडाउन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 16 नंबर, कोविड 19 टेस्ट को क्या नाम दिया गया था, तो RT-PCR नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? RT-PCR। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है, भारत सरकार ने किस योजना के तहत कोरोना वायरस के लक्षण वाले मरीज का मुक्त इलाज करने की घोषणा की थी, किस योजना के तहत? आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत के चलते, यानी इस योजना के चलते भारत सरकार ने कोरोना वायरस के मरीजों को मुक्त इलाज करने की घोषणा की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 18 नंबर, कोविड 19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया था, तो कोविड 19 से निपटने के लिए ऑपरेशन 19 भारतीय थल सेना ने शुरू किया था, ऑपरेशन नमस्ते भारतीय थल सेना ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 19 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सेफ हैंड कॉलिंग किसने शुरू किया, तो WHO ने सेफ हैंड कॉलिंग शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो देखते हैं, हाल ही में राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया, ये किस देश की हैं, तो वह हैं स्पेन की। कहाँ की हैं? स्पेन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 21, ICMR के द्वारा कोरोना वायरस के लिए दवा का प्रयोग करने की बात कही है, तो हाइड्रोक्लोरोक्विन, ICMR ने हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा का इस्तेमाल करने की बात कही थी, और जो कि इस्तेमाल भी हुई थी बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं वो है 22, तो हाल ही में किसने कोरोना वायरस वैक्सीन को पेटेंट कराया, तो किसने कराया था? चीन ने पेटेंट कराया था कोरोना वायरस वैक्सीन को, चीन ने पेटेंट कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा देखते हैं वो है 23, क्वेश्चन नंबर, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च किया था, तो कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर फेसबुक ने कौन सा फीचर लॉन्च किया था फिर कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए, तो कोरोना वायरस इन्फॉर्मेशन सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं हम लोग वो है 24, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो है व्हाट्सएप चैटबॉट। व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो व्हाट्सएप चैटबॉट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कोरोना वायरस किस बीमारी से संबंधित है, SARS और MERS से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 26, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए पंजाब ने कौन सा ऐप लॉन्च किया था, तो वो है कोवा पंजाब ऐप कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए पंजाब सरकार ने ऐप लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग देखते हैं 27, भारत में पहला कोविड 19 मरीज कहाँ पाया मिला है, तो वो मिला था केरल में। कोविड 19 मरीज कहाँ पर मिला था? सबसे पहला मरीज जो है हमारा भारत में केरल में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28, अनसीटेड रिपोर्ट के अनुसार भारत कोरोना वायरस के कारण प्रभावित अर्थव्यवस्था में किस स्थान पर रहा है, तो वो है 10वें स्थान पर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आरोग्य सेतु ऐप को कब लॉन्च किया गया था, तो 2 अप्रैल 2020। ठीक है, 2 अप्रैल 2020। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 30 नंबर, भारत में पहला कोरोना मरीज कहाँ मिला था, तो वो मिला था
30 जनवरी 2020 केरल के त्रिपुरा जिले में, 30 जनवरी 2020 केरल के त्रिपुरा जिले में, ठीक है। 30 जनवरी 2020 केरल के त्रिपुरा जिले में भारत का पहला मरीज मिला था कोरोना वायरस का, ठीक है। 31 क्वेश्चन देखते हैं हम, कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है, तो आरएनए वायरस है, कोरोना वायरस एक आरएनए वायरस है, ठीक है। 32 देखते हैं हम लोग, भारत में दूसरा जनता कर्फ्यू कब लागू किया गया था, तो 15 अप्रैल से 3 मई तक, 15 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा जनता कर्फ्यू लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, रूस में किस इंस्टीट्यूट में वैक्सीन तैयार की गई, रूस में कोरोना वायरस की वैक्सीन किस इंस्टीट्यूट में तैयार की गई, गमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट रूस के इंस्टीट्यूट है जिसमें कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, रूस द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक 5, रूस द्वारा बनाई गई पहली कोरोना वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक 5। अभी कोई उतनी कारगर वैक्सीन तो आई नहीं है, अभी उसी की सब जांच चल रही है, लेकिन फिर भी जो बनाई गई हैं कई दोषियों ने बनाए थे, तो वे वही क्वेश्चन हैं, ठीक है, पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान चालू किया था, तो वो है कर्नाटक ने ओवर हैंडशेक, नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान चालू किया था, किसने, कर्नाटक ने। क्वेश्चन नंबर 36, कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो वो है फेफड़ों को प्रभावित करता है, तो सभी को लगभग पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 37, हाल ही में किस देश की सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है, भारत सरकार ने हैंड सैनिटाइजर और मास्क को आवश्यक वस्तु घोषित किया है। नंबर 38, लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हाल ही में प्रसिद्ध कॉमेडियन केन सिमुरा का कोरोना वायरस के कारण निधन हो गया, ये वह किस देश से थे अमेरिका से थे। तो आई होप गाइस आप सभी को हमारा जो वीडियो है पसंद आया होगा, इसके क्वेश्चन है वो पसंद आए होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। फिर उसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।